ने पहले बातूनी कछुआ स्टोरी पढ़ी थी, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टोरी है बुद्धिमान कौवा। इसमें एक कौवा होता है जिसे काफी तेजी से प्यास लग रही होती है। वह पानी की काफी देर तलाश करता है मगर उसे पानी कहीं भी नहीं मिलता है। एक दिन वो उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास आ पहुंचता है। वहां उसे एक घड़ा दिखाई देता है। उस घड़े के तल में थोड़ा सा पानी होता है मगर पानी तल के काफी नीचे होने की वजह से वह उस पानी को पी नहीं पाता है। अब कौए की चोंच पानी तक पहुंच भी नहीं सकती थी। पानी को ऊपर लाने के लिए कौए ने एक उपाय सोचता है। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए होते हैं। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू कर किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौए ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और पानी पीकर उड़ गया। इस तरह से उसने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। यहाँ पे हमारी स्टोरी समाप्त होती है। अगली स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। हम आगे की तीन कहानियां पढ़ चुके हैं। यह हमारी आखिरी कहानी है, कौवा और लोमड़ी। यहाँ पर एक कौवा और लोमड़ी का चित्र दर्शाया गया है। इसमें एक कौवा एक रोटी की लेकर पेड़ की डाल पर जाकर बैठता है। उतनी ही देर में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आती है और कौए को देखती है और उसकी चोंच में एक रोटी को देखकर उसे लालच आ जाता है। वह ये सोचती है कि मैं कैसे कौए को बेवकूफ बनाकर उससे यह रोटी ले लूं। वह लोमड़ी कौए से बोलती है, कौए भैया आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, आप मुझे कुछ गाना सुनाइए ना। कौआ लोमड़ी की चालाकी समझ जाता है और उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौए ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे में दबा ली और जोर जोर से कांव कांव करने लगता है। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह जाती है और सोचती है कि यह कौआ तो बहुत ही समझदार लगता है। ऐसा वह मन ही मन सोचते हुए वहां से निकल जाती है। फिर कौए ने मजे से वह रोटी खा ली होती है। सच में अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमारी झूठी प्रशंसा सुनकर उसमें नहीं आना चाहिए, हमें हमेशा सच का साथ ही देना चाहिए। हेलो बच्चों, अभी हमने दो कहानियों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समझे। अभी मैं आपको तीसरी कहानी बुद्धिमान कौए के शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, कौए ने पानी की तलाश क्यों की? कौए ने पानी की तलाश क्यों की? इसका आंसर है, कौए ने पानी की तलाश इसलिए की क्योंकि कौए को बहुत प्यास लगी थी। कौए ने पानी की तलाश इसलिए की क्योंकि कौए को बहुत प्यास लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौआ घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? कौआ घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? इसका आंसर है, कौआ घड़े का पानी इसलिए नहीं पी सका क्योंकि घड़े में पानी काफी नीचे था। क्योंकि घड़े में पानी काफी नीचे था। कौए ने घड़े के आसपास क्या देखे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौए ने घड़े के आसपास क्या देखे? इसका आंसर है, कौए ने घड़े के आसपास कंकड़ देखे। इसका आंसर है, कौए ने घड़े के आसपास कंकड़ देखे। घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? इसका आंसर है, घड़े में कंकड़ डालने पर घड़े का पानी ऊपर आ गया। घड़े में कंकड़ डालने पर घड़े का पानी ऊपर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौए ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? कौए ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? कौए ने घड़े में कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया और उसने अपनी प्यास बुझा ली। कौए ने घड़े में कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया और कौए ने अपनी प्यास बुझा ली। कौए ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? कौए ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? कौए ने घड़े का पानी पीने के लिए सबसे पहले
कंकड़ डाले। कंकड़ डालने की वजह से पानी ऊपर आ गया और कौए ने पानी पी लिया। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है कौआ और लोमड़ी। इसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, आप इसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोमड़ी ने कौए को कहाँ देखा? लोमड़ी ने कौए को कहाँ देखा? इसका आंसर है, लोमड़ी ने कौए को पेड़ की डाल पर देखा। लोमड़ी ने कौए को पेड़ की डाल पर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? इसका आंसर है, लोमड़ी ने कौए के गाने को मीठा बताया। लोमड़ी ने कौए के गाने को मीठा बताया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? इसका आंसर है, कौए ने अपनी चोंच की रोटी को अपने पंजे से दबा लिया, यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। कौए ने जब अपनी रोटी को पंजे में दबा लिया, यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौआ और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है? कौआ और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है? इसका आंसर है, कौआ और लोमड़ी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, कि हमें अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मुंह में पानी आ गया? किसके मुंह में पानी आ गया? इसका आंसर है, लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। इसका आंसर है, लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी चालाक थी। लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी चालाक थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें क्या नहीं होना चाहिए? अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें क्या नहीं होना चाहिए? इसका आंसर है, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। आप इनको अपने नोट्स में तैयार कीजिए।